सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको डॉग रिलेटेड वीडियो मिलती रहें। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पग ब्रीड के पप्पीज़ को लेकर बनाया हुआ है। ये पप्पीज़ की मदर है, जब ये 60 डेज़ की प्रेग्नेंट थी तब का ये वीडियो बनाया हुआ था। वीडियो देखकर आपको क्वालिटी समझ आ गई होगी, हैवी रिंकल्स में बहुत अच्छी क्वालिटी की ये फीमेल है। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियो पप्पीज़ की ग्रोथ को लेकर बनाया हुआ है। फर्स्ट डे टू 27 डेज़ तक पप्पीज़ की ग्रोथ को इसमें दिखाया हुआ है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। सेकेंड डे ऑफ पप्पीज़, जब बच्चे 2 दिन के थे तब का ये वीडियो है। थर्ड डे ऑफ पप्पीज़, तीसरा दिन बच्चों का, ये वीडियो जब बनाई हुई है जब बच्चे 3 दिन के थे। अब इसमें आप बच्चे का साइज़ दे सकते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम में, और फीमेल इन बच्चों को साफ कर रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। फोर्थ डे ऑफ पपीज, चौथा दिन बच्चों का, इसमें आप बच्चों की साइज़ थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, फीमेल उनको साफ कर रही है, आप अभी देख सकते हैं। फिफ्थ डे ऑफ पपीज, पांचवा दिन, बच्चों की साइज धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। सिक्स्थ डे ऑफ पपीज, छठा दिन, आप बच्चों की साइज देख सकते हैं डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। सेवन्थ डे ऑफ पपीज, सातवा दिन, एट्थ डे ऑफ पपीज, साइज डे बाई डे इम्प्रूव होती जा रही है, आप ये देख सकते हैं वीडियो में, मदर फीड ले रहे हैं। नाइन्थ डे ऑफ पपीज, नौवा दिन बच्चों को, आप देख सकते हो बच्चों को भी। टेंथ डे ऑफ पपीज, दसवा दिन बच्चों को, मेरी लोकेशन जयपुर राजस्थान है, किसी भाई को इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर यहाँ दिए हुए होंगे। 11 डे ऑफ पपीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, एंड में पपीज़ के फादर का वीडियो भी मैंने अटैच किया। 12th डे ऑफ पपीज़, 12वां दिन बच्चों को, इनकी साइज़ आप फर्स्ट डे कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ चुकी है, ये आपको खुद अपने आप वीडियो में दिख रहा होगा। 13 डे ऑफ पपीज, बच्चों को 13वां दिन, साइज आप देख सकते हैं, इनके हेड वगैरह बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। 14 डे ऑफ पपीज, बच्चों को 14वां दिन, ये सभी फीमेलें हैं वैसे तो, एक भी मेल नहीं है इनमें। 15 डे ऑफ पपीज़, बच्चों को आज 15 दिन हो चुके हैं, बच्चों की साइज़ फर्स्ट डे टू कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़ चुकी है, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से दिख रहा होगा। 16 डे ऑफ पपीज़, आज बच्चों को 16वां दिन है, सारे बच्चे एक्टिव हैं, अच्छे से फीड कर रहे हैं, ये इनकी मदर है। 17th डे ऑफ पपीज़, ये बच्चों को 17वां दिन है, और आप देख सकते हैं बच्चों की साइज बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी, आज 18 दिन हो चुके हैं पप्पीज को। 18th डे है आज पप्पीज का, आप देख सकते हैं सब एक्टिव पप्पीज हैं। 19th डे ऑफ पप्पीज, आज बच्चों को 19 दिन हो चुके हैं, इनकी साइज डे बाय डे काफी अच्छी इंप्रूव हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा सबको।
आज बच्चे 20 दिन के हो चुके हैं। इन बच्चों की आज मैंने डीवर्मिंग भी करवा दी है। बाकी बच्चे बहुत हेल्दी एंड एक्टिव हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के पपीज़। 21 डे ओ पपीज़, आज बच्चों को 21 दिन हो चुके हैं। बच्चे अभी धीरे धीरे चलना फिरना स्टार्ट हो गया है, और ये देख सकते हैं आप बच्चों की क्वालिटी, इनके रिंकल्स वगैरह, इनका हेड वगैरह सब चीज़ आप चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के पपीज़ हैं, आज इनको 21 दिन हो चुके हैं पूरे पूरे। बच्चों को 22वां दिन, 22 डेज ओ पपीज़, बच्चों की हेल्थ चेक करें, फर्स्ट डे टू कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हो गए हैं। 23 डेज ओ पपीज़, 23 दिन के बच्चे हो चुके हैं, धीरे धीरे ये चलना फिरना स्टार्ट हो गया है इनका। आज से मैंने इनको थोड़ा बहुत सेरेलक भी दिया है, तो ये थोड़े गंदे भी हो गए हैं वैसे तो। बाकी आप देख सकते हैं इसके रिंकल्स वगैरह, ये फीमेल है, सबसे हैवी फीमेल है ये। 24 डे ऑफ पपीज़, 24 दिन के बच्चे हो चुके हैं, फीमेल इनको फीड करवा रही है, साइज भी बहुत अच्छी हो गई इनकी। 25 दिन हो चुके हैं, 25 दिन के काफ़ी हैवी हो गए हैं बच्चे, चलना फिरना इनका स्टार्ट हो चुका है, सेरेलेक वगैरह ये खा रहे हैं, मदर फीड पे हैं अभी वैसे ही, बहुत अच्छी। बच्चे अभी 26 दिन के हो चुके हैं, थोड़ा बहुत सैर लगी, अच्छे से खा रहे हैं और चलना फिरना तो इनका स्टार्ट हो ही गया है, आप देख सकते हैं। आज फाइनली 27 दिन के बच्चे हो चुके हैं, ये इनका लास्ट वीडियो आज का, इसके बाद नया वीडियो लेके आएंगे। तो ये देख लो आप बच्चों के साइज़ वगैरह, फर्स्ट डे टू कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे इम्प्रूव हुए, देखो बहुत अच्छे हेड रिंकल्स बोन्स वगैरह सब, बहुत अच्छी क्वालिटी के पपीज़ हैं। सत्ताईस दिन के बच्चे हो चुके हैं फाइनली आज, इसके बाद अब मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, उसमें ही इन बच्चों की ग्रोथ के बारे में बताऊँगा। बाकी इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 27 दिन का वेट करना पड़ा है, फर्स्ट डे टू मैंने 27 डेज तक वीडियो 10-10 सेकेंड के शूट किए, उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाया, में काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई थी। बाकी आप क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं पपीज़ की, बहुत अच्छी क्वालिटी। वीडियो देख के आपको क्वालिटी तो समझ आ ही गई होगी, ये 27 डेज की फ़ीमेल है, आप चेक कर सकते हैं, फुल एक्टिव फीमेल है। अगर किसी भी भाई को ये फ़ीमेल चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, 10,000 रुपीज़ इनकी प्राइस रखी है मैंने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बाकी आप क्वालिटी देख सकते हैं और आप मेरे को कॉल करके और प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे वीडियो में इनके फादर भी दिखाए हुए हैं, आप वो चेक करके मदर फादर, उसके बाद पपीज़ आप ले सकते हैं। थैंक यू। फादर ऑफ पपीज़ है, आप देख सकते हैं। बाकी आप सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मेरी वीडियोस को देखकर एंजॉय करते रहें। थैंक यू।